वेरी गुड मॉर्निंग एट क्लास हा आई यू चिल्ड्रेन आई होप यू आर गोइंग थ्रू योर लेसन्स कुछ बच्चों को आंसर्स में डिफ़िकल्टी आ रही है आई गॉट सम ऑफ द मैसेजेस फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स अबाउट द आंसर्स ऑफ सिविक्स स्पेसली द फिफ्थ आंसर एक बार पी डी एफ क्लियरली देखो बच्चों पूरी दी है मैंने ढंग से क्लिक करके भेजा था आपके ओपन नहीं हो रहा होगा ध्यान से करो एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट द फिफ्थ आंसर जो वीडियो जहाँ लेसन मैंने समझाया है वो फिफ्थ वाला आंसर उसे वापस से सुनो फिर आपको समझ में आ जाएगा वॉट इज़ द फिफ्थ आंसर गो थ्रू योर वीडियोज़ अगेन अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा है आपके पास लिंक प्रेजेंट है सब कुछ यूट्यूब पर है हम डिलीट थोड़ी ना कर रहे हैं कोई मैटर आपके पास लिंक है यू कैन ओपन दैट वीडियो अगेन एंड लिसन टू द लेसन इसमें तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए वो लिंक्स आपके पास हमेशा अवेलेबल हैं वापस से सुनो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आ जाएगी सब कोई ऐसी बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है एंड नाउ कमिंग बैक टू अ लेसन वी वर रीडिंग अबाउट द कंपनी रूल हाउ द कंपनी रूल बिकेम इम्पॉर्टेंट स्प्रेड इन इंडिया कॉजेज हमने कुछ पढ़े थे बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा हमने हाँ और अब हम कल हमने समझे थे द काजिज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला नाउ वील स्टार्ट द टॉपिक कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला वाई वॉज ही डिफीटेड इन द वॉर बैटल ऑफ प्लासी में क्यों डिफीट हुआ सिराजुद्दौला दैट वील स्टार्ट ओके तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपकी बुक में दिया हुआ है आंसर इज रिटेन इन पॉइंट्स ओनली कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला फर्स्ट पॉइंट सिराजुद्दौला हैड नो एप्सल्यू राइट ऑन द थ्रोन ऑफ बेंगॉल सिराजुद्दौला का कोई राइट नहीं था ही वॉज नॉट द सन ऑफ द रूलिंग नवाब अलीवर खान वॉज रूलिंग ओवर बेंगॉल एंड सिराजुद्दौला नॉट हिज सन सो हु ही है ना लेट्स फाइंड सिराजुद्दौलाउट अलीवरदी खान डाइड विदाउट एनी मेल इशू अलीवरदी खान हु वॉज द नवाब ऑफ बेंगोल ही डाइड विद नो सन उसके सन नहीं था ओनली डॉटर्स ओके देरफो ही डिक्लेय वन ऑफ हिज ग्रैंड सन्स है ना सिराजुद्दौला वॉज हिज ग्रैंड सन एज हिज सक्सेसर ये बात तो अलीवरदी खान ने ही कह दी थी कि सिराजुद्दौला विल बी द नेक्स्ट रूलर बट इट लेड टू हॉस्टेलिटी एंड सस्पीशन अमंग हिज अदर डॉटर्स एंड देर हजबेंड्स अब सिराजुद्दौला क्योंकि डॉटर का सन था एक को तो किंग बना दिया नवाब बना दिया लेकिन इस बात को लेकर जो और डॉटर्स और उनके हस्बैंड थे उनमें आपस वो नाराज हो गए सिराजुद्दौला से या इस डिसीजन से दे वर एंग्री हु टूक इट एज एन इनजस्टिस टूवर्ड्स दे ओन सन उन्हें लगा भाई एक डॉटर के बेटे को तो नवाब बना दिया वाई कांट द सन ऑफ अदर डॉटर्स कि हमारे बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो गई है सो दे टर्नड अगेंस्ट सिराजुद्दौला द इंग्लिश फाउंड इट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूज द सिचुएशन टू देर एडवांटेज और इस चीज का फायदा कंपनी ने उठाया वो तो वैसे ही इंडियन रूलर्स को आपस में लड़ाते रहते थे सेकेंड कॉज ऑफ डिफीट द इंग्लिश सक्सीडेड इन विनिंग ओवर प्रोमिनेंट हिंदू मर्चेंट्स एंड बैंकर्स जो बंगाल के इंपॉर्टेंट हिंदू मर्चेंट्स थे बैंकर्स थे उन्हें इंग्लिश ने अपनी तरफ मिला लिया कौन कौन थे देखो ये राजबल्लभ सेठ अमीन चंद एंड राय दुर्लभ उन्हें नवाब के खिलाफ कर दिया नवाब कौन सिराजुद्दौला उनके खिलाफ कर दिया भड़का दिया रिलीजियस इशू पर थर्ड कैलकटा है ना ये एक फोर्ट था जो इंग्लिश ने बनाया था आफ्टर इट्स कैप्चर फ्रॉम द इंग्लिश वॉज पुट अंडर वीक एंड करप्ट ऑफिसर्स लाइक मानक चंद सिराजुद्दौला आफ्टर विनिंग जी कल पढ़ा था ना हमने ही हैड वन द फोर्ट ऑफ कैलकटा लेकिन जीतने के बाद अपने मिलाने के बाद अपने एम्पायर में उसका जो गवर्नर बनाया गया वो गवर्नर कौन था माणिकचंद बट ही वॉज अ पुअर पर्सन आई एम सॉरी ही वॉज अ वेरी वीक एंड करप्ट ऑफिसर नो एफर्ट वॉज एवर मेड टू हेल्प द फ्रेंच ऑफ चंद्रानगर अगेंस्ट द ब्रिटिश सो वी हैव सीन दैट देर वॉज अ फाइट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके खिलाफ जा रही है तो सिराजुद्दौला को क्या करना चाहिए था फ्रेंच की हेल्प करनी चाहिए थी हुँ? लेकिन यहां चूक गया सिराजुद्दौला उसे फ्रेंच का सपोर्ट नहीं मिला या उसने फ्रेंच को सपोर्ट नहीं किया इसलिए व्हेन ही वांटेड फ्रेंच डिड नॉट सपोर्ट हिम नेक्स्ट मीर जाफर्स कॉन्स्परेसी प्रूव्ड क्वाइट डिजास्टर्स और फिर मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का उसने षड्यंत्र किया अगेंस्ट द नवाब द नवाब टुक नो स्ट्रांग एक्शन अगेंस्ट मीर जाफर जब मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को ही वुड हैव टेकन स्ट्रोंग एक्शन लेकिन यहाँ फिर चूक गया सिराजुद्दौला उसने मीर जाफर के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया इन स्पाइट ऑफ इस हैंड इन डिफरेंट कॉन्स्परेसीज जबकि बहुत कुछ गड़बड़ कर रहा था मीर जाफर पर स्टिल द नवाब डिड नॉट पनिश हिम इवन वेन द सस्पिशन अगेंस्ट हिम वॉज कन्फर्म यह बात भी कन्फर्म हो गई थी कि कॉन्स्परेसी षडयंत्र कौन कर रहा है मीर जाफर बट स्टिल द नवाब डिड नाट पनिश हिम ही वॉज नॉट रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ एंड लास्ट कॉज द नेवल पार द नेवी ऑफ इंग्लिश वॉज वेरी सुप्रीम एंड सुपीरियर स्ट्रैटेजी ऑफ द ब्रिटिश ऑल्सो प्रूव्ड फेटिल फॉर हिम तो इंग्लिश कमांडर्स दे वो वेरी वेल वे ट्रेन्ड कमांडर्स उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी प्लानिंग बहुत अच्छी करते थे एंड दे फॉट विथ अ प्लान और ये सब किसके सामने कौन कमज़ोर पड़ गया इसमें सिराजुद्दौला, वो ये सब नहीं कर पाया सो ही वॉज डिफीटेड देन मीर कासिम एंड द बैटल ऑफ बक्सर तो ये तो ऊपर हमने कम्प्लीट किया बैटल ऑफ प्लासी एंड नाउ वी विल टेक

मीर कासिम शाह आलम सेकिन हु वॉज द मुगल एम्प्रर एंड शुजाउद्दौला आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल सॉरी सिराज उद्दौला वॉज डिफीटेड और उसकी जगह किस को नवाब बनाया गया मीर जाफर को बट ही वॉज अ नवाब इन नेम ओनली वो एक पपट नवाब था कठपुतली होती है ना और कौन नचा रहा था उस कठपुतली को द इंग्लिश ओनली फॉर नेम सेक

ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया क्यों आई थी टू डू ट्रेड लेकिन यहाँ की जो कंडीशन उन्होंने देखी पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ जो रिसोर्सेज देखे यहाँ जो वेल्थ देखी तो अब मंडोल गया नाउ नॉट ओनली ट्रेड लेकिन अब वो इंडिया पर अपना कब्जा भी करना चाहते थे दे वॉन्टेड टू यूज द कंट्रोल ओवर द नवाब ऑफ बंगाल to drain the wealth of the province. Bengal was a very rich province at that time. तो अब वो सारी wealth <coughs> लूटना चाहते थे England ले जाना चाहते थे Mir Jafar could not meet the demands of the company and its officials. In East India Company की demands इतनी बढ़ गई कि Mir Jafar समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ये demands कैसे पूरी करूँ The responsibility of running the administration ले ऑन ए शोल्डर्स बट ही हैड नो पार्ट्स अब ये हो गया पाज तो सारे रूल करने के अधिकार ह डिसीजन पाज तो सब किसने ले लिए कंपनी ने अपने हाथ में ले ली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे दी मीर जाफर को कि तुम काम करो अब काम करेगा कैसे जब उसके हाथ में कोई पार्ट्स नहीं है एज अ रिजल्ट द एडमिनिस्ट्रेशन डिटीरियोरेटिव जब कोई पावर्स ही नहीं है उसके हाथ में तो वो अपना काम कैसे करेगा क्योंकि डिसीजन तो सारे कौन ले रहा है कंपनी ऑफिशियल्स और जिम्मेदारी काम की किसको दे दी गई है मीर जाफर को द इंग्लिश चार्ज हिम विद द निग्लेक्ट अब क्या आरोप लगाया इंग्लिश ने निग्लेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि ढंग से काम रूल नहीं कर पा रहे हो एंड ही वॉज डिपोस्ट डिपोस्ट का मतलब अपने पोजिशन से हटा देना उसे थ्रोन से हटा दिया

द कंपनी बाय ग्रांटिंग इट द जमींदारी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुद्वान मिदनापुर एंड चिटगांव अब वन मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल तो उसने कंपनी को क्या इनाम दिया कि जो जमींदारी जमींदारी का यहाँ मतलब होता है कलेक्टिंग रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू जो होता है वो कलेक्ट करने का अधिकार कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स का बुर्दवान मिदनापुर एंड चिटगांव इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी को दे दिया ही वॉज एन एबल ना मीर जाफर अच्छा नवाब नहीं था बट मीर कासिम सन इन लॉ ही वॉज अ वेरी एबल एफिशियंट एंड स्ट्रोंग रूलर डिटर्मिन टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द फॉरन कंट्रोल वो कंपनी रूल से अपने आप को फ्री करना चाहता था ही डिड नॉट लाइक द रूल ऑफ द कंपनी ही वॉज नॉट दैट पपिट नवाब ही इम्प्रूव्ड बोथ द फाइनेंशियल

जस्ट लाइक द इंग्लिश आर्मी उसने तैयार करी ऑल दिस वॉज नॉट टू द लाइकिंग और ये बात किसको अच्छी नहीं लगी ऑफकोर्स इंग्लिश को क्योंकि वो तो इसे भी अपने जैसा एक पपिट रूलर जैसे मीर जाफर एक पपिट रूलर था वैसे ही इसे भी एक पपिट रूलर बनाकर रखना चाहते थे और ये बात इंग्लिश को अच्छी नहीं लगी कि वो अपनी आर्मी बना रहा है द इंग्लिश मर्चेंट्स कैरी ऑन प्राइवेट ट्रेड विदाउट एनी ड्यूटीज मुगल एम्प्रोर शाह आलम ने इंग्लिश कंपनी को अथॉरिटी दी थी टू डू ड्यूटी फ्री ट्रेड लेकिन कल भी मैंने समझाया था ये अथॉरिटी किसको दी गई थी इंग्लिश कंपनी को लेकिन जो प्राइवेट इंग्लिश ट्रेडर्स हैं ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठाने लगे वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लगे दे सोल्ड द परमिट और उन्हें जो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का परमिट मिला था वो उन्होंने किसको बेच दिया इंडियन मर्चेंट्स को हु ऑल्सो बिगैन टू कैरी आउट डूइंग फ्री ट्रेड तो अब इंडियन मर्चेंट्स भी वो फ्री ट्रेड करने लगे द नवाब अबोलिश्ड तो इसको देखकर मीर कासिम को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका रेवेन्यू हार्म हो रहा था ना तो उसने इंग्लिश की चालाकी को रोकने के लिए क्या किया ही अबोलिश्ड ऑल द ड्यूटीज जितने भी टैक्सेस उसने लगा रखे थे वो ख़त्म कर दिए अब जब टैक्सेस ख़त्म हो गए तो सारा ट्रेड फ्री ट्रेड हो गया एंड डिप्राइड द इंग्लिश ऑफ द इलीगल प्रॉफिट तो ब्रिटिशर्स जो फायदा उठा रहे थे ड्यूटी फ्री ट्रेड भी फायदा कैसे हो रहा था उन्हें तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था बट इंडियन मर्चेंट्स हैव टू गिव टैक्स तो वो टैक्स हटा दिया मीर कासिम ने तो अब इंडियन मर्चेंट्स का ट्रेड भी फ्री हो गया इससे इंग्लिश का फायदा कम हो गया द नवाब अबॉलिश्ड ऑल द ड्यूटीज and deprived the English of the illegal profit. This enraged the company. इससे company जो officials थे East India Company के वो नाराज हो गए कि nawab ऐसा कैसे कर सकता है. At the same time, the company and its officials began to oppress and ill-treat the officers of the nawab and the poor people of Bengal. अब company अपनी दादागिरी दिखाने लगी. जो nawab के officers थे, officials थे उनके साथ मिसबिहेव करते थे उन्हें बहुत टॉर्चर करते थे और जो पुअर फार्मर्स थे जैसे तीन डिस्ट्रिक्स है ना बुरदवान मिदनापुर और चिटगांव इनके जो रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी थी वो कंपनी के पास थी तो अब वो लोगों को एक्सप्लॉयट करने लगे उनका शोषण करने लगे इल ट्रीट करने लगे दे कुड नॉट एग्जिस्ट टू मास्टर्स अब दो रूल हो गए ना वन इज़ ऑफ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अनदर वनज ऑफ मीर कसिम द किंग नवाब ऑफ़ बेंगॉल सो दे कुड नॉट एग्जिस्ट टू मास्टर्स इन बेंगाल एक ही रहना था तो उनके बीच में वॉर तो होना ही था मीर कासिम वॉज डिफ़ीटेड दोनों के बीच में वॉर हुआ एंड मीर कसिम वॉज डिफ़ीटेड इन अ सीरीज ऑफ बैटल छोटे छोटे बहुत सारे वॉर हुए बिटवीन द आर्मी ऑफ मीर कासिम एंड ब्रिटिश और

शुजाउद्दौला, द नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम अपना एक ग्रुप बनाया अगेंस्ट द इंग्लिश कंपनी सो द थ्री इंडियन मुनाक्स क्लैश विद द कंपनीज आर्मी और दोनों के बीच में वॉर हुआ तीन इंडियन रूलर्स मीर कासिम शुजाउद्दौला एंड शाह आलम एक तरफ और इंग्लिश कंपनी एक तरफ एट बक्सर बैटल ऑफ बक्सर ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑक्टूबर से बहुत सीवियर वॉर हुआ बट व बैडली डिफिटेड बट द थ्री इंडियन रूलर्स व बैडली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी मीर कासिम फ्लेड अवे एंड वॉज नेवर हर्ड ऑफ अकेन तो अब यहाँ से मीर कासिम कहाँ गया किसी को नहीं पता शुजाउदौला एंड शाह आलम सेकिन सबमिटेड हार मान ली उन्होंने कंपनी के सामने एंड द वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन 1765 सिक्सटी ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन शाह आलम शुजाउदौला ऑन वन साइड एंड द कंपनी ऑन अदर साइड और ये ट्रीटी इट्स नोन बाय द नेम ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद और इसके बाद से सारा पार द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद सारा पार किसके हाथ में आ गया

सीड सीड का मतलब देने पड़े डिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कारा एंड अलाहाबाद टू द कंपनी ये दो डिस्ट्रिक्ट कंपनी को दे दिए गए दीज डिस्ट्रिक्ट वो हैंडेड ओवर टू शाह आलम और फिर ये डिस्ट्रिक्ट किसको दिए शाह आलम को शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड द दीवानी दीवानी मीन्स द अथॉरिटी टू कलेक्ट लैंड टैक्स वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दीवानी द अथॉरिटी टू कलेक्ट लैंड टैक्स और कौन से स्टेट का बंगाल बिहार एंड उड़ीसा इन तीन स्टेट्स के जो भी टैक्सेस हैं अभी तक शाहआलम कलेक्ट कर रहा था पर अब ये पार किसको दे दिया टू द कंपनी दिस इज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद चिल्ड्रेन जो साइन हुई बिटवीन द थ्री द इंग्लिश प्रोमिस्ड हिम अ पेंशन ऑफ रुपीज ट्वेंटी सिक्स लैक अ ईयर मतलब पेंशन कब होती है किसी पर्सन की वैन ही रिटायर्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है सो एक तरह से मुगल एम्प्रोर से कहा रिटायर घर बैठो है ना रूल हम करेंगे कंपनी धीरे धीरे सारे पार्ट्स अपने हाथ में ले रही है शाह आलम को पेंशन दे दी ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीस पर ईयर वो दिया जाएगा उन्हें और बदले में सारी अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई कंपनी के हाथ में दिस बैटल बैटल ऑफ बक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया

कंप्लीटेड द वर्क बिगैन बाय द बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी ने क्या काम स्टार्ट किया था एस्टेब्लिशिंग ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया और बैटल ऑफ बक्सर ने वो काम कम्प्लीट किया एंड मेड द इंग्लिश कंपनी अ सॉवरन पार इन इंडिया और बैटल ऑफ बक्सर के साथ कंपनी रूल बिल्कुल सेट हो गया अब इंडिया के रूलर्स बन गए द ऑफिशियल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो जो काम बैटल ऑफ प्लासी के स्टार्ट साथ स्टार्ट हुआ था वो काम किसके साथ कंप्लीट हो गया बैटल ऑफ बक्सर के साथ तो ये हमारी अभी तक की स्टोरी कहानी की जैसे समझना बच्चों आई हेव ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन द सेम वे हाँ मीर जाफ़र मीर कासिम सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला कौन थे इनके रिलेशन समझो फिर है ना कंपनी ने कैसे इनको यूज़ किया बैटल ऑफ प्लासी हुआ फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ And next we'll start tomorrow. Till then, keep reading.